दोस्तों, हर कोई कहता है कि पढ़ो या पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ना कैसे है, पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, ये कोई नहीं बताता। दोस्तों, पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? पढ़ने के लिए ज़रूरी है टेंशन। जी हाँ, जब तक आपको टेंशन नहीं आएगा तब तक आप नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए थोड़ा सा टेंशन ज़रूरी है। आज मैं आपको पढ़ने की एक दो टेक्निक बताऊंगा, तो ध्यान दें, ध्यान से सुने और अंत तक हमारे साथ बने रहे। टेक्निक नंबर वन, अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में, आपके मैक्सिमम 4 या 5 लेक्चर्स होते हैं, एक 40-50 मिनट के। अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा इन सब लेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, मेरी माने तो पर सब्जेक्ट एक 20 से 25 मिनट, यानी कुल डेली आपको 1.5 से 2 घंटा पढ़ाई करनी है, तब आपको एग्जाम के समय थोड़ा सा पढ़ने पर भी सब कुछ आसानी से याद आ जाएगा। पर यह टेक्निक बहुत कम बच्चे फॉलो करते हैं, एक 5 से 10%, और इन बच्चों के टॉप करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टेक्निक नंबर टू, कुछ बच्चों को एग्जाम के वक्त पढ़ने की आदत होती है, जैसे मानो कि एग्जाम का टेंशन या प्रेशर जब तक नहीं आता तब तक वे पढ़ाई नहीं करते, पर यह जरा रिस्की है। पर अगर आप टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से कर ले तो आप एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको पढ़ने के लिए छुट्टियां मिलती है, आपको बस इन छुट्टियों को अच्छे से मैनेज करना है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको कुल 5 सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स है, तो जितनी आपको छुट्टियां है और सब्जेक्ट ईजी है या हार्ड है, उस हिसाब से आपको हर एक सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं यह डिसाइड करना है। और हर एक सब्जेक्ट में कुल जितने यूनिट्स है या चैप्टर है, अगर किसी सब्जेक्ट में 5 चैप्टर है तो आपको सिर्फ 4 चैप्टर अच्छे से करने हैं, 1 चैप्टर आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, और जो सब्जेक्ट कठिन है उसकी पढ़ाई पहले करें। अब ये तो ही मैनेजमेंट की बात है, अब आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो आपको हर एक शब्द अच्छे से समझना होगा। उदाहरण के तौर पर, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन है, आप सभी ने ये पढ़ी होगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब आपको ये डेफिनेशन पढ़नी है तो आपको इसके हर एक शब्द का समझना जरूरी है। डेफिनेशन को समझने के लिए हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट वन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इसका मतलब है कि एनर्जी यानी ऊर्जा को हम तैयार नहीं कर सकते। पार्ट टू, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड यानी मिटाना, हम एनर्जी यानी ऊर्जा को मिटा भी नहीं सकते। पार्ट थ्री, बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बस हम इस ऊर्जा को ट्रांसफर यानी बदल सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर यानी एक रूप में से दूसरे रूप में, यानी ऊर्जा को हम तैयार भी नहीं कर सकते, मिटा भी नहीं सकते, बस एक रूप में से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अब इस डेफिनेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इसका एग्जांपल देखकर। बाइक तो आप में से बहुत लोग चलाते होंगे, बाइक में हम पेट्रोल डालते हैं और चालू करने के लिए स्टार्टर या किक मारते हैं। जब हम स्टार्टर मारते हैं तब अंदर इंजन में स्पार्क होता है और पेट्रोल जलने लगता है, यानी उधर हीट एनर्जी इंजन को मिलती है, उसी हीट एनर्जी की वजह से हमारी बाइक मोशन करती है, भागती है, यानी उस हीट एनर्जी का कन्वर्जन यानी बदलाव मैकेनिकल एनर्जी में होता है। अगर आप ऐसे हर चीज को समझकर बारीकी के साथ एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।